ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸਕਾਈ ਟੱਚ चैनल से तुहाडा स्वागत है। जैसे आए हैं स्काई टच, एक ऐसा नाम जिन्होंने थोड़े समय के क्रिएशन कीतियां ने, मानुके विखे झोरड़ा विखे, और वो इंसान जिन्हें पहला मिलिट्री सेवा की है, अपनी सारी जिंदगी सेवा दे विच ला के आए हैं, फौज की सेवा की है। कैप्टन साहब जिन्होंने बाद विच सोचा कि मेरे पिंड के बच्चों चाहे झोरड़ा चाहे वह मानुके आ, वधिया ढंग दे नाल बच्चे बाहर जान, उन्होंने देख के एक सही ढंग, उन्होंने सही एटमोसफियर, परसनैलिटी डिवेलपमेंट, माइंड सैटअप, हर चीज़ बच्चों को जोड़ा है, मैं इतने दे के और इको छत के थले इमीग्रेशन के नाल आईलैट्स करवा के भेजा। इस मिशन लैके कैप्टन साहब ने यह बूटा लाया। कैप्टन साहब स्वागत है तुहाडा साडे स्पैशल शो च। रेप्यूटेड क्वालिटी प्रोवाइडर इंस्टीट्यूट आ, इतने घट तो घट 437 बच्चे पढ़ के झोलों तो ही अपने कैनेडा, आस्ट्रेलिया, यूके जा चुके हैं। ये संस्था के पेंडू एरिए होने के बावजूद भी इसका रिजल्ट तकरीबन 90% रहा। साडा टीचिंग स्टाफ ते मेरा मिलिट्री एक्सपीरियंस ही बदौलत हार्डवर्क की वजह नाल अज असी बहुत ही वधिया क्वालिटी हाई स्टैंडर्ड एजुकेशन पिंडां दे विच भी प्रोवाइड कर रहे हैं। पहला कि तुसी बच्चे का कैडर देख के, बच्चे का की आई क्यू आनू देख के उस हिसाब नाल बच्चे नू जज कर दिओ, उन्हां नू प्रेशर च नहीं लैके आंदे, उन्हां बच्चों नू ईज जोन च लैके जांदे हो, प्रेम करदे हो, उन्हां नू कहंदे हो नहीं बेटा कोई गल नहीं। बिल्कुल तुहानू असीं मज़े दे नाल तुहाडा हमेशा जिहड़ा इंफसाइज है वह क्वांटिटी ते नहीं है, क्वालिटी ते है। तुहाडा माइंड है कि चाहे मेरे अंदर परमिट च 10 बच्चे आ जाए पर उह 10 बच्चे जिहड़े हैगे उह टैलेंटड होण और उन्हां नूं मैं टैलेंटड करके भेजा। कदे तुसीं इस चीज़ ते नहीं इंफसाइज किया कि मैं इत्थे वग ला लां वी इत्थे 25-50-60-100 बच्चा आ गया क्लास दे विच, टीचर्स थोड़े होण। तुसीं हमेशा टीचर स्टूडेंट रेशो जी वधिया रखी है। कई जो पेंडू एरिए विद्यार्थी आ, ये काफ़ी हैजीटेशन फील करते हैं और इन्हों असी बड़े प्यार फ्रेंडली एनवायरमेंट के बच्चे उन्होंने डाउट्स, उन्होंने साड़ी संस्था का यह है कि 9 बजे तो लैके 5 बजे तक क्लासा होंगे, उस तो बाद संडे भी असी वीक स्टूडेंट न ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग वो एम्फासाइज करते हैं, वो वीकनैस की आकनैस देख के असी वर्कआउट करते हैं। तो जिहड़े बच्चे पुअर फैमिली बैकग्राउंड तो उन्हां नाल असी फीस कंसैशन भी जरूर करते हैं और जो तो बच्चे का एग्जाम आउंदा उदों साडियां एडिशनल क्लासां चलदियां। ये जिहड़ा साडा रिजल्ट आ, इट इज़ बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, जिहड़ा असी बहुत डिटरमाइंड आ बच्चे दियां भावनावां नूं समझदे आ ते उन्हां दे जिहड़े पेरेंट्स आ किन्ने औखा हो के कमाई करदे आ, तां असी उहदा मुल जरूर मोड़दे आ। इस स्थान दे उपर उहदे नाल नाल लोग तो मॉक टेस्ट है जिहड़े उस सैटरडे नूं लेंदे आ, तुहाडे इत्थे सरप्राइज मॉक टेस्ट जिहड़ा तुसीं क्योंकि इंटलैक्चुअल हो, तुहाडा माइंड हैगा कि मैं बच्चों का कैलीबर देखा कहे जाएगा, उन्हूं देख के तुसीं अपने टीचर्स नूं कहंदे हो बच्चे आपां इन्हां दा मॉक टेस्ट आ जिहड़ा वह सरप्राइजिंगली लैणा कि इन्हां नूं बच्चों को पता ना हो अज्ज साडा मॉक टेस्ट हैगा, और उदां लैके तुसीं लैवल चैक करदे रहिंदे हो बच्चों का, उन्हां दी परसनैलिटी डिवेलपमेंट, माइंड सैटअप। हमेशा इस इंस्टीट्यूशन का मोटो यह रहा कि असीं केवल बैंड ही नहीं दवाने पर उन्हें उस देश के रहना सिखाना जेड़े एक अनजान कंट्री चो उन्हें जाके रहना। प्राइमरी एम टू पुट द फोकस ऑन द सोशल क्वालिटी, सोशल डिवेलपमेंट एंड परसनैलिटी डिवेलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, वी स्प्रेड अवेयरनेस हाउ टू डील, हाउ टू वर्क हार्ड इन द अनसुटेबल सर्कमस्टेंसेस। चिल्ड्रन स्टडीड फ्रॉम क्वालिफाइड फ्रॉम द स्काई टच चाइल्ड्स फाइंड इट लेस डिफिकल्ट टू सेटल इवन इन द फॉरेन कंट्री, वी आर स्टेइंग कॉन्सटेंट अटैचमेंट विद द स्टूडेंट्स टिल दोज यू आर स्टडिंग इन कनेडा, उन्होंने असी फुल कोऑपरेट करते हैं, वो साढ़े नाल कनैक्टिविटी के बच्चे रहिंदे आ, ते असी एनवायरमेंट के होर जिहड़ी अदर क्वालिटीज आ, सोशल इंटैलीजेंसी, इफेक्टिव इंटैलीजेंसी, उन्होंने भी पूरा फोकस करते हैं। बच्चे की इतने काफ़ी आगे चेंजस हो जाती है। 37 स्टूडेंट जो बाहर गए हैं, वो स्टूडेंट जो इधरों बच्चे नए जाते हैं उन्होंने रेजीडेंस के लिए, उन्होंने कोई होर डिफिकल्टी आती है उन्हों की हैल्प करते हैं, एक फैमिली बन गई। टच स्काई जी है, स्काई टच आ एक फैमिली बन चुकी आ, जिहड़ी फैमिली दे विच सारे मैंबर जिन्हें बच्चे बाहर गए ने तुहाडे नाल अटैच ने, क्योंकि वो बड़ा शुक्रिया अदा करते कि असी पिंडां दे एरिए उठे, असी तो महंगी महंगी फीसां देने तैयार सी शहरां जाके, पर सर तुसी तां साडे पिंडां दे विच ही एक सानू इन्ना वधिया एटमोसफेयर देता। इमीग्रेशन का 26 मार्च 2000 तो हुणे डील कर रहे हां,
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਓਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੀ ਹੀ ਫੀਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਪੀਟਰ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਗੈਪ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਪ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਜਾਊਗੀ। ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੀਜੇ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਮਿਲੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੱਸਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, 15 ਅਗਸਤ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਇੰਡ ਸੈਟ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਆ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਐਕਸਟਰਾ ਵਰਕ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਡੇ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ, ਜਾਣੀ ਵੀ ਆਰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਂਗ ਦਾ ਵੀਕਨੈਸ ਆਫ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਂਡ ਵਰਕ ਔਨ ਦੋਜ਼ ਟੂ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਦਾ ਵੀਕਨੈਸ ਆਫ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੈਟ ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਐਕਸੈਲ ਵੈਲ ਇਨ ਅਵਰ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇ ਆ, ਐਂਡ ਵੀ ਹੋਪ ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਵਿਲ ਮੇਨਟੇਨ ਦਾ ਆਪਟੀਮਮ ਲੈਵਲ ਆਫ ਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਨ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਆਲਸੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿੱਤਾ ਇਹ 437 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ 4000 ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗਲਤੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਠੱਗਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਾਰਜ, ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਉਹ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਨੋ ਵੀ ਆਰ ਵਿਦ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਸਟਾਫ ਆਫ ਸਕਾਈ ਟੱਚ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਇੰਡ ਸੈਟ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਂਸਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਆ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋਅ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਮੈਡਮ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, 2 ਵਜਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤਾਜ਼ੇ ਆਏ ਹੋਣ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਐਨਰਜੀ ਭਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ 'ਚ ਇਹ ਟਾਈਮ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਡੀ ਲੈਵਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਾਨੁਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਨੇ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨੇ। ਫੈਮਲੀ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਮਿਲਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਇੰਡ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਟੀਚ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਸਟਾ ਵਾਲੇ ਆ, ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਇੰਡ ਸੈਟ ਬਹੁਤ ਗਾਂਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਇਨਹਾਂਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਟੀਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਸਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੂਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੇ ਹੀ ਉਹ ਜਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਵੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2 ਦੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਟਾਸਕ 1 ਵੀ। ਮੈਡਮ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਰਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ,
हाँ जी सर, ऑफकोर्स ओवरऑल ग्रोथ है जी साड़ी सर दी, मतलब बदौलत ही ये चीज़ पॉसिबल हो पाई है। जड़िया टेक्निक्स असं सर तो सकते हैं सीखते हैं, वही सारिया असं बच्चों ने सिखाने। की कहना चाहोगे हम बच्चे देर ना करन, की करन जल्दी जल्दी आके स्काई टच नू टच कर लैन? यस ऑफकोर्स। और स्काई टच नू टच करनगे तां टच असी करा देंगे कनेडा अमेरिका नू? हाँ जी हाँ जी जरूर। हाँ जी सर जी बिल्कुल। यस सर। बट इतने महसूस हो रहा किमें पहला तुहानू माइंड सीगा जदों इत्थे जॉइन करना सी वी किन्ना क पता नहीं औखा होगा काम, जदों जदों तुसी करी गए किदां लग रहा? बहुत वधिया महसूस करदी आं। बेटा घर दे किदां महसूस कर रहे ने? जिदां कैप्टन साहब दी छत्र छाया हेठां जदों पढ़दे आपां, जिस तरीके दे नाल इह बच्चां नू पॉलिश करदे ने, बहुत वधिया मतलब स्टडी करवाउंदे ने। बहुत वधिया सर। किदां तुहानू लग रहा पहला परसनैलिटी डिवेलपमेंट ते हुंदा जदों पहला बॉडी लैंग्वेज किदां सीगी, हुण तुहानू लग रहा कि काफ़ी फर्क पै गया? हाँ जी सर, बहुत इंप्रूवमेंट लग गई। और लग रहा भी जहाज ने नेड़े आ गए? हाँ जी सर। महसूस कर रहे थे? बहुत वधिया जी। किदां दा एटमॉस्फेयर है? बहुत वधिया जी। पेरेंट्स सैटिस्फाइड ने? हाँ जी पूरे। और लग रहा है 437 दी थां ते हुण असीं भी गां 438 में 39 में 40 में असीं बनना जाके बाहर जाके? हाँ जी 550 ही बनेंगे। ओके जय हाँ जी। एंड स्टडी द मैथड आ जिहड़ा टीचर्स आ जिहड़े कंप्लीमेंट्री ने किदां ने? यस जी। एंजॉय। अनदर स्टूडेंट्स, बेटा हाउ आर यू फीलिंग? मैं बहुत वधिया फील कर रही हाँ, इस सेंटर तो मैंने बहुत कुछ सीखने को मिलया आ। लाइक मैं पहला किसी होर सेंटर तो स्टडी करती पई सी, पर इहदे कंपेयर मतलब वो बिल्कुल बैड सीगा। इत्थों मैंने बहुत कुछ सीखने को मिलया। सर बहुत कोऑपरेटिव ने, वो बहुत वधिया स्किल्स सानू लर्न करवाउंदे आ, ते असी बहुत चीज़ा सीखते हैं। स्टडी तो सीखनी सीखनी है, प्लस असी कोऑपरेशन भी सीखते पए हैं। इत्थे किदा किसी नाल ट्रीट करना आ, वो सब कुछ सीखते हैं। टीचर ने दस्सिया कि एक इंसान चंगे इंसान बनाउण च वी सर बहुत वड्डा रोल अदा कर रहे ने। हाँ जी सर, बहुत मतलब वधिया मोटिवेट करते हैं। स्पैशल मतलब कोई स्टूडेंट वीक है तो उन्हें स्पैशल कॉल बुला के दस देने कि किदा भी टिप्स देंगे ने, किदा तुसी अचीव कर सकते हो गोल नू। ते बाकी जिन्ना भी मैं टीचर्स तो इतों सुनिया वा, जिहड़ा भी स्टूडेंट इतने पढ़िया उस स्कूल जरूर लैके गया, तो मैनू भी कॉन्फिडेंट है मैं जरूर स्कूल लैके जाऊँगी। नहीं सर, तुहानू जदों समझाते हैं प्यो माँ की अपनी बड़ी औखी कमाई है बेटा, आपां उन्हां दी कमाई नू जाया नहीं जान देना, आपां मेहनत करनी आ, आपां एक्स्ट्रा विजिस नहीं पैना, आपां अपने आप नू मार लेना, अपने आप नू एक बार आपां सिर्फ स्टडी ते एम्फसाइज़ करना हैगा और बाकी दुनिया नू छड्ड के असीं अपने स्टडी वाले पासे जाना हैगा। और जदों सर गाइड करदे ने, क्योंकि वह खुद परमात्मा दा रूप ने, जिस तरीके नाल उन्होंने पहला मिलटरी सेवा की आ, हुण वी वह सेवा कर रहे हैं और हमेशा उन्होंने पॉजिटिविटी रहिंदी आ। कोई बच्चा कहते फीस है नहीं, कहो चल यार कोई गल नहीं कर लाँगे। सर बहुत कोऑपरेट करते हैं बच्चों की फीसिस भी, तो बहुत ही वधिया समझाते भी आ। अलग मतलब जो फर्स्ट डे होंगे किसी बच्चे का, उन्होंने अलग बैठ के समझाते पहला, तो फिर थोड़े टाइम बाद उन्होंने क्लास ज्वाइन करवाते, तो कल कल ट्रिक वगैरह दे के सारा कुछ समझाते। स्टडिंग आ जरा टीचिंग आ, वे ऑफ टीचिंग आ, वो किन्ना वधिया तुहानू लगता कि असं उभते नहीं गए और नवी नवी चीज़ा लैनी जिद सू इंट्रस्ट भी क्रिएट हों, अंग्रेजी भी सीखते? हाँ जी हैगा ही, मतलब कि जिमें कि मैं सी पहला बहुत वीक सी पढ़ने के, बट हुण एज वैल एज मैंने 50 days होए आ लगी नूं, तो मैं बैटर कर सकती हाँ, तो मैं 5.5 बैंड गेट कर सकती। सर मैं बहुत वधिया महसूस कर रही हूँ, मैं पंजाब बोर्ड की स्टूडेंट हाँ, तो मैंने लगता सी मेरे तो आईलैट्स नहीं होनी, पर जदों की मैं इतने लगी हाँ मैं आईलैट्स ईजी लगन लग गई, बिकॉज सर सानू पढ़ाते ही इन्ना ज़्यादा वधिया वा। मैं कहनी भी सारे स्टूडेंट्स स्काई टैच लगन जे वर्ड की कहना चाहोगे? टीचर्स आ जिहड़ियां साडियां, वह भी इन्होंने इन बनातियां, मतलब भी टीचर्स भी अज्ज पूरी महारत रखदियां। हाँ जी सर, टीचर्स तो सानू बहुत वधिया पढ़ाते, फ्रेंडली पढ़ाते, पता ही नहीं लगता भी किदा असी इन्ना ईजी मैथड दसते हैं ना, बहुत ज़्यादा बहुत वधिया महसूस कर रहे हैं। जो तो लगना सी उदू पहला लगता सी हो जाए आईएलएट सौ लगता भी वीजे भी इतने लग गया, पहला तो ही लगता सी औखा, पर बाद इतने लगन तो बाद इतने बहुत सौखा लग रहा है। फ्री वधिया फील करते हैं, पूरा वधिया करवाते हैं टीचर पूरा। वाह आ गया नेड़े यही महीने के तक। बेटा हाउ आर फीलिंग? बहुत वधिया फील हो रहा जी, बहुत वधिया स्टूडेंट टीचर पढ़ाते हैं, सानू बहुत वधिया समझ आता जी। की कहना चाहोगे कि छत के थले हम जिदा इमीग्रेशन का भी शुरू हो गया, सर और ने कोई बेईमानी नहीं करनी, इंसान हो जाए जिन्हें 437 बच्चों फ्लाई कराता और हम जो है इमीग्रेशन के फील्ड भी नाल आ गए। हाँ जी बहुत वधिया लग रहा जी सर, भी गांव इंस्टीट्यूट तरक्की कर रहा वा, फिर अब करे इदा होर तरक्या भी करे, तो सानू बहुत वधिया फील होंगे जी। ना करो जल्दी जल्दी आ जाओ, एक बार कैप्टन साहब मिलकर जा वड़ो, इन्हों के स्टूडेंट्स में देख लो, इन्हों आप गलबात की है वो देख लो, तुम एक बार तुम इन्हों मीटिंग कर लो, तो मीटिंग करते ही इंसान के जोड़े हाव भाव आ जोड़े थानू सामने आ जाएंगे और मन करेगा कि असी इस विद्या के दान के केंद्र के चाहे झोड़ा जोड़े बच्चे झोड़ा देख रहे उन्होंने
और जोड़े बच्चे इतों के देख रहे हैं खुश नसीब स्टूडेंट के नाल जो रिजल्ट लैके आया बेटा किन्ने बैंड आया ईच सिक्स शी हैज़ अटेंड सिक्स बैंड इन ऑल एक्सट्रीम्स बेटा की लग रहा भी बिल्कुल सिंपल जो स्कूल पढ़ के आए थे असी तो इस कैप्टन साहब की बदौलत और टीचर की बदौलत अज मैं इस मुकाम पर खड़ी हाँ कि मैं छे बैंड लै लिया एलिजिबल टू गो यस सर मैं बहुत प्राउड फील करती हाँ मैं स्काई टच तो स्कोर अचीव किए हैं पहला मैं मोगे जगराओं तो क्लासिस लिया सगिया बट मेरे स्कोर नहीं आए बट मैं इतने 2 मंथ्स लगाए सी तो मैं अपने डिजायरेबल स्कोर लए तो मैं स्टूडेंट्स में यही कहना चाहूँगी वो तो वह इतने ज्वाइन करो तो अपने ड्रीम्स में फुलफिल तुहाडे माणुके तुहाडे झोरड़ा बैठे हैं सर आओ वेलकम पेरेंट्स नाल जुड़ रहे हैं भाई जी की कहना चाहोगे कि जिस दिन का बच्चा इतने लग्या उहदा माइंड सैटअप उहदा इंग्लिश स्पीकिंग किदां कहना चाहोगे सेंटर चंगा लगे एक पिंड साढ़े आना जाना ठीक है तो माहौल भी ठीक है इतों बच्चों का सर चंगे आ फौज के आए हुए चंकी गाइडनेस इन बेटा जाना कि औखा बसा से जाओ ट्रैक्टर टैंपो से जाओ लेकिन एक थोड़े पिंड जी फैसिलिटी मिल गई चाहे माणू के चाहे झोड़ा जी धन्यवाद थैंक यू पी टी लैब साड़ी हुणे तो ओपन हुई आ ए असी इत्थे बहुत सारिया क्वालिटीज़ तो इन्हों दे रहे हैं स्टूडेंट्स नू लाइक ये लिस्ट सेम मड्यूल होंगे आयल्स वांगू रीडिंग लिसनिंग स्पीकिंग एंड राइटिंग सो बच्चे बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेट ने अजकल ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं पी टी नू ज़्यादातर प्रेफरेंस पी टी नू दे रहे हैं अजकल दे स्टूडेंट काई टच इंस्टीट्यूट दी क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा बेस्ट ने इत्थे पी टी ट्रेनर आई एम अ पी टी ट्रेनर लाइक बहुत ज़्यादा बच्चों सहूलत दित्तियां जांदियां ने इत्थे लैपटॉप प्रोवाइड किए जाते हैं उन्होंने हैडफोनस प्रोवाइड किए जाते हैं हर एक तरह की उन्होंने सहूलत दी जाती है टैंपलेट्स उन्होंने हर एक अलग अलग मैथड ना दिते जाते हैं लाइक ये बहुत ही ईजी मैथड आ जिहड़े बच्चों तो नहीं भी हो रही आयल्स उन्हां दी सैकेंड ऑप्शन है पी टी सो यही गाइड करांगे थोनू कि नैक्सट ऑप्शन पी टी या तुसी स्काई टच इंस्टीट्यूट च आके ज्वाइन कर सकते हो कोई भी स्टूडेंट आ क्योंकि इतने बहुत ही ज़्यादा बच्चों कोऑपरेट सारा कुछ उन्होंने हर एक तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है।